अमित शाह का आप इंतजार कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि गढ़ है। आप सोचिए गायत्री, आप बता रही हैं जिस तरह से गढ़ है और जिस तरह के रंग आप वहाँ पर दिखा रही हैं, करने की कोशिश की है कुछ आप, मुझे नहीं लगता है कि गायत्री तक आवाज पहुँच रही है। कोशिश करती हूँ, क्या कहेंगे इस बार, क्या उम्मीद, क्या उम्मीद है? 400 पार, 400 पार, 400 पार। आप देखिए, इनको मैंने नहीं बताया, बल्कि ये जो लोग हैं ये अपने आप 400 पार का नारा यहाँ पर लगा रहे हैं। बस आप देखिए, आप जितनी भी दूर आपको नजर जाएगी, लगातार यहाँ पर लोगों के आने का सिलसिला भी बना हुआ है। लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बस अमित शाह का यहाँ इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त मैं गांधीनगर में मौजूद हूँ, ये जेपी गेट जहाँ रोड शो की शुरुआत होने वाली है। बस कुछ ही देर और है जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचेंगे, लंबा रोड शो वो करेंगे, तकरीबन 3 रोड शो एक जनसभा को स्टूडियो। तो गायत्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं और जाहिर है जिस तरह से इस वक्त वहां पर ड्रम ढोल नगाड़े जो सब मंगाए हुए हैं, ढोल ताशे, उस पर गायत्री को आवाज नहीं हमारी मिल पा रही है। लेकिन हम रंग आपको दिखा रहे हैं, वो छटा आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की, और गांधीनगर की अगर स्पेशली हम बात करें वैभव, तो समीकरण पूरा यहाँ पर हमें गायत्री बता रही थी। लेकिन इस बार अगर यहाँ से देखिए पिछली बार भी एक रिकॉर्ड बनाया था, एक मार्जिन अगर हम देखें तो मार्जिन रिकॉर्ड से जीते थे अमित शाह, लेकिन इस बार 10 लाख वोटों से जीत सुनिश्चित करने का, मतलब 10 लाख इस बार जो टारगेट है वो गांधीनगर में रखा हुआ है जहां से चुनावी ताल ठोकते हैं अमित शाह। बिल्कुल हिमानी, अगर बात गुजरात विधानसभा चुनाव की करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो प्रदर्शन किया था और उस गुजरात विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल मानकर बीजेपी चल रही थी, उस प्रदर्शन के बीच अब लोकसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में अहमदाबाद से जो ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, ये महज अहमदाबाद तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी गुजरात में पैर जमाने की पूरी कोशिश कर रही थी, कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही थी कि बीजेपी को विधानसभा से साफ कर दे। लेकिन हुआ क्या, विधानसभा चुनाव के में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की, आम आदमी पार्टी जिस प्रभाव को डालने की कोशिश कर रही थी वो बिल्कुल निष्प्रभावी रहा। अब ऐसे में बीजेपी की ये तस्वीर सिर्फ अहमदाबाद नहीं बल्कि पूरे गुजरात की अगर हम कहें तो शायद ये गलत नहीं होगा, और यही वजह है कि गुजरात में बीजेपी इस बार फिर चाहेगी कि वो क्लीन स्वीप करे पिछले चुनाव की तरह, और शानदार जीत के साथ जिस मिशन को लेकर हिमानी बीजेपी चल रही है, 400 पार के मिशन को, गुजरात से उस मिशन को बहुत ज्यादा बल मिलेगा। और इस वक्त आपको बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी खबर जो आ रही है वो ब्रजभूषण को लेकर, याचिका पर, उसकी अर्जी पर जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया है। 26 अप्रैल को कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा, राउज एवेन्यू कोर्ट को इस पर फैसला सुनाना है, और फैसले के बाद आरोप तय करने पर निर्णय किया जाएगा। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, क्या कुछ फैसला अब कोर्ट की ओर से दिया जाता है, उसके लिए 26 अप्रैल तक का इंतजार करना होगा। शहीद हुए हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को शहीद कहकर कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र पर प्रहार किया है। सेना पर सवाल उठाना, आतंकवादियों को साहब कहना, कांग्रेस की टुकड़े टुकड़े वाली सियासत एक बार फिर से सामने आई है। इस बार कांग्रेस की प्रवक्ता ने कांकेर में मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। सुनिए ये बयान, कैसे कांग्रेस की सीनियर प्रवक्ता नक्सलियों को शहीद बताकर संबोधित कर रही है। इस बयान से लगता है कि कांग्रेस नक्सलवाद का समर्थन करती है, कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा हो रहा है कि उनकी ये सोच टुकड़े टुकड़े वाली है। इस बयान में कहीं न कहीं देश विरोधी सोच दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके में वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही 29 नक्सलियों का सफाया हो गया, जो कांग्रेस को इतना नागवार गुजरा कि इस मुठभेड़ को ही फर्जी बता दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस का असली चेहरा तो तब सामने आया जब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बता दिया। लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब
लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस के इस नक्सल प्रेम पर छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक के बीजेपी नेता हमलावर हैं और सवाल कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस में वामपंथी हावी हो गए हैं, क्या कांग्रेस को लेफ्ट विंग चला रही है। ऐसे तमाम सवालों का जवाब खुद उन्हीं के पार्टी में रहे सीनियर नेता ने दिया था। दरअसल कांग्रेस छोड़ने के बाद संजय निरुपम ने इस बात का खुलासा किया था कि कांग्रेस में वामपंथी विचारधारा के नेताओं का वर्चस्व बन चुका है। पूरे कांग्रेस पार्टी पे लेफ्टिस्ट अप्रोच भर गया, हावी हो गया। आदरणीय राहुल जी के आसपास भी बड़े पैमाने पर लेफ्टिस्ट लोग, ये लेफ्टिस्ट हो सकते हैं जो अयोध्या में अगर रामलला विराजमान हो रहे हैं तो उनका सिरे से विरोध करेंगे, सिर्फ लेफ्टिस्ट ऐसा सोचता है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया था। इस पत्र में कांग्रेस आर्थिक मोर्चे पर अपनी गलतियों को सुधारती दिख रही है तो सामाजिक मुद्दों पर वामपंथी विचारों से उत्प्रोत नजर आ रही है। ये वामपंथी सोच ही है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण 50% से ज्यादा करने का वादा कर रही है। कांग्रेस के न्याय पत्र जारी होने पर पीएम मोदी ने भी हमला बोला था। पीएम मोदी ने एक रैली में इस मुस्लिम लीग की छाप बताने के साथ ही वामपंथी हावी होने की बात कही थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस देश विरोधी आतंकवाद टुकड़े टुकड़े विचारधारा रखने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और अब नक्सलियों को शहीद बताना कांग्रेस की चाल चरित्र और चेहरे को उजागर कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दर्शकों, कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को आपने देखा और समझा होगा, लेकिन इस नक्सलियों के प्रेम के बीच आम जनता का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस का जो आजकल का समय चल रहा है ना, वो दिवालियापन घोषित कर देना चाहिए। सुप्रिया सेनेत जैसे बदतमीज जिनको इस चीज का नहीं पता कि शहीद किसको कहा जाता है, शहीद हमारे देश के जवान होते हैं जो देश के बॉर्डर पे हमारी सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। ये आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी, ये सारे के सारे देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं, जो अपनी छोटी मानसिकता की वजह से अपने लालच के, चार पैसे के लालच के चक्कर में देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को ये लोग शहीद कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। ये सनातन को गाली देने वाले लोग हैं, इनका कोई दीन ईमान धर्म नहीं दिखता। मैं हैरान होता हूँ कि इतनी बड़ी नेता जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता दिख रही है, वो अपने आप को वैसा कर रही है, बिल्कुल सोच छोटी दिखती है उनके। इनकी पार्टी के लिए बहुत सही है, इनकी पार्टी दोबारा शहीद होगी। कांग्रेस पार्टी पहले राम मंदिर के विषय में हुई थी शहीद, अब ये दूसरा पहलू जो दे दिया ना, अब कांग्रेस पार्टी का विनाश दोबारा से शुरू होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे सैनिक शहीद होते हैं और उनका ये इस तरह से दुरुपयोग करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये 100% सत्य है कि हमारे जो जवान हैं उनके मनोबल को तोड़ते हैं, बढ़ाते नहीं है। कांग्रेस ने आज तक बढ़ाया नहीं है। देखिए सर, हम तो ये चाहते हैं कि जो नक्सली मारे गए हैं वो सही मारे गए हैं, क्योंकि हमारी भी सेना के लोगों को वो मारते हैं, तो आप बताइए अगर हमारी सेना के लोग मरते हैं तो उनको शहीद नहीं कहते कभी वो? और वो लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं, और कांग्रेस का ये सोचना तो बहुत ही गलत है कि वो शहीद मारे गए हैं। जब सैनिक शहीद होते हैं तो कांग्रेस कहाँ रहती है, तब क्यों नहीं कहती कि हमारे सैनिक शहीद हुए हैं? वो ऐसे उल्टे बयान देते हैं, गलत बयान देते हैं, तो इसमें हमारे सैनिकों का जो है मनोबल कम होता है, वो होता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे बयान ना दिए जाएँ और अपने बयानों को कम से कम सोच समझ के दें। पहला नंबर वो एनार्किस्ट लोग हैं, उनकी जुबान जो है कांग्रेस पार्टी में खुद कंट्रोल में नहीं है। वो कभी किसी को कुछ बोलते, महिला को ही, महिला के ऊपर उनका स्टेटमेंट रहता है, इसलिए उनकी बात को मेरे ख्याल से